तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब विल अटर्नल सीज़न 2 एपिसोड 14 की। शाओ बोचन एंसेस्टर से मिलने के लिए पवेलियन में जाता है। वहीं पास में सॉन्ग जुमान भी बैठी होती है, तो फिर एल्डर शाओ बोचन से बोल रहे होते हैं कि तुम गिल्टी हो। शाओ बोचन पूछने लग जाता है कि मेरा क्राइम क्या है। एल्डर शाओ बोचन से कह रहे होते हैं कि जो सन ब्लड की पोजिशन थी वो सिर्फ सॉन्ग जुमान के लिए थी, तुमने जो आइडेंटिटी एक्वायर की है वो तुम्हारी नहीं है, लेकिन जो ब्लड एंसेस्टर है उन्होंने तुम्हें रिकोगनाइज कर लिया है, साथ ही में तुमने ब्लड लाइन हेरिटेज ऑप्टेन भी कर ली है। शाओ बोचन उनकी बात काट देता है और कह रहा होता है कि भले ही पोजीशन पहले मेरी नहीं थी, लेकिन अब ये पोजीशन मेरी हो गई है। एल्डर को शाओ बोचन पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे घूर कर देख रहे होते हैं। अचानक से पूरे सेक्ट पे काले बादल छा जाते हैं। इधर पवेलियन के अंदर शाओ बोचन अपनी पोजीशन से नहीं हिल पा रहा होता, क्योंकि वो एल्डर के ऑरा के नीचे नील डाउन हो रखा होता है। शाओ बोचन की हालत काफ़ी ख़राब हो गई होती है। फिर वो एल्डर से बोल रहा होता है, मैं मानता हूँ कि जो मेरी पावर है वो बहुत ही कम है, बस मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए और मैं जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सबको सप्रेस कर दूंगा। भले ही आप मुझे सन ब्लड नहीं मानते हो, लेकिन मैं अपनी एबिलिटी से साबित करके रहूँगा। मैं हमेशा से सॉन्ग फैमिली के लिए लॉयल रहा हूँ और कई सारे कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं। वैसे भी अब ये पोजीशन मुझे मिल चुकी है, तो फिर इस वजह से मैं किसी को नहीं दूंगा, और ये कहकर वो खड़ा हो जाता है। फिर एल्डर अपने ऑरा को शाओ बोचन के ऊपर से हटा लेते हैं और जो सेक्ट के ऊपर काले बादल छाए होते हैं वो सारे भी हट जाते हैं। एल्डर गुस्सा शांत हो गया होता है और कह रहे होते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। शाओ बोचन अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं पहले से जानता था कि ये मुझ पर यकीन नहीं करेगा, लगता है जो मैंने बैट लगाई है वो बिल्कुल ठीक लगाई है। सॉन्ग जुवान भागकर शाओ बोचन के पास जाती है क्योंकि वो गिरने वाला होता है। फिर एल्डर भी शाओ बोचन के पास जाते हैं और उसे हील कर रहे होते हैं। हील करते टाइम एल्डर शाओ बोचन से कह रहे होते हैं कि जो ब्लड सन की पावर है वो पी को कंट्रोल करती है, तुम्हें पहले से पता है कि फ्यूचर में वॉर होने वाला है और उसमें तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है। शाओ बोचन पूरी तरीके से हील हो जाता है। फिर वो एल्डर से बोल रहा होता है कि मैं आपकी फैमिली के लिए हमेशा ही लॉयल रहूँगा। तभी एल्डर एक ब्लड फायर लैंप निकालते हैं और शाओ बोचन से कह रहे होते हैं कि ये मेरा फेवरेट मैजिक वेपन है, ये तुम्हारी हेल्प कर सकता है ताकि तुम अपनी ब्लड फायर को अनलीश कर सको, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ और कुछ ही दिनों में ब्लड सन की एंथ्रोनमेंट सेरेमनी है, तुम्हें वहाँ पर आना होगा। कुछ दिन बाद जितने भी डिसिपल होते हैं वो सारे पवेलियन पर इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर सॉन्ग फैमिली और डू फैमिली के एंसेस्टर भी होते हैं। फिर वहाँ पर सॉन्ग फैमिली के एल्डर आते हैं और वो अनाउंस करते हैं कि कुछ ही देर में यहाँ पर ब्लड सन आने वाला है। तभी शाओ बोचन वहाँ पर पहुँचता है और वो पीक की ओर बढ़ रहा होता है। शाओ बोचन को चैलेंज करने के लिए वहाँ पर कुछ डिसिपल आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं। इसके बाद शाओ बोचन थोड़ा और आगे बढ़ता है और उसके सामने खड़ा होता है सोनचे। सोनचे अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और वो शाओ बोचन को फाइट के लिए चैलेंज करता है। शाओ बोचन चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर तक फाइट करने के बाद आखिर में सोनचे हार जाता है। फिर वो सबके सामने मान लेता है कि ये जांग यानी कि शाओ बोचन सन ऑफ ब्लड है, और उसके पास जाकर उसे एक स्वॉर्ड देकर कह रहा होता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे पता है कि मेरा लेवल तुमसे बहुत ही कम है, लेकिन एक ना एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर हरा दूंगा, ये कहकर वो चला जाता है। फिर शाओ बोचन आगे की ओर बढ़ता है, वो स्टेज चढ़ के पीक के मिडल पर पहुँच जाता है। इस बार शाओ बोचन के सामने सॉन्ग जुवान खड़ी होती है और वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकालती है, शाओ बोचन पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। लगातार अटैक करने के बावजूद भी शाओ बोचन अपनी स्वॉर्ड को ड्रॉ नहीं कर रहा होता। फिर सॉन्ग जुवान अपनी स्वॉर्ड के थ्रू उसकी स्वॉर्ड को ड्रॉ करते हुए कह रही होती है कि तुम्हें मुझसे लड़ना है तो फिर ढंग से लड़ो। शाओ बोचन सॉन्ग जुवान की बात को मान लेता है और वो स्वॉर्ड से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों जमीन से ऊपर फाइट कर रहे होते हैं। शाओ बोचन अपनी स्वॉर्ड से बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और उसी अटैक से सॉन्ग जुवान नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन वो जल्दी से सॉन्ग जुवान की ओर जाता है और उसकी वेस्ट को पकड़कर उसे बचा लेता है। इस वजह से सॉन्ग जुवान शर्मा जाती है और वो अपनी हार मान लेती है। इसके बाद वहाँ पर एक सीनियर डिसिपल आता है और वो शाओ बोचन को एक नई रोब देता है। उसे पहनने के बाद जितने भी डिसिपल वहाँ पर होते हैं वो सारे शाओ बोचन को बो करते हैं। अब एल्डर भी वहाँ से चले गए होते हैं और सॉन्ग जुवान भी वहाँ से जा रही होती है। शाओ बोचन भी सॉन्ग जुवान के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर कुछ और डिसिपल आ जाते हैं और वो शाओ बोचन को रोक लेते हैं। रात को सॉन्ग जुवान अपनी पवेलियन के बाहर एक ट्री के सामने खड़ी होती है और वो बोल रही होती है कि अब मेरी और येजांग की जो आइडेंटिटी है वो डिफरेंट हो गई है। तभी वहाँ पर शाओ बोचन पहुँच जाता है और वो अपनी रोब को उतार कर सॉन्ग जुवान को पहना देता है। सॉन्ग जुवान पीछे मुड़कर शाओ बोचन की ओर देखती है। फिर शाओ बोचन उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। सॉन्ग जुवान उसके सामने बो करती है और उसे थैंक यू बोल रही होती है। शाओ बोचन सॉन्ग जुवान से कह रहा होता है कि तुम्हें सब ये करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों का रिलेशन पहले की तरह सेम ही रहेगा, भले ही चाहे मेरी आइडेंटिटी चेंज हो जाए, लेकिन सॉन्ग जुवान मानने से मना कर देती है। शाओ बोचन थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोल रहा होता है कि पहले तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करती थी,
लेकिन जब से मेरी आइडेंटिटी चेंज हुई है तुम अपना ओपिनियन शेयर भी नहीं करना चाहती हो मेरे साथ। सॉन्ग जुआन शाओजन के हाथ की ओर देखती है लेकिन वो उसे टच नहीं करती है और वो साइड में मुड़ जाती है। शाओजन सॉन्ग जुआन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता और कह रहा होता है कि तुमने मुझ पर टच किया इसी वजह से मैं सन ब्लड बन पाया। तुमने ही मुझे समझाया है कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मेरे लिए क्या बेस्ट है, और ये काइंडनेस मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूलूंगा। फिर वो अपनी पॉकेट में से ब्लड टोकन निकालता है और सॉन्ग जुआन को देकर कह रहा होता है कि अब से ये तुम्हारा है, मैं सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ ताकि मैं सॉन्ग फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूँ। क्या तुम्हें याद है कि आज से कुछ साल पहले तुमने मुझसे बोला था कि भले ही मेरी आइडेंटिटी चेंज हो जाए लेकिन तुम हमेशा मेरे लिए सॉन्ग जुआन रहोगी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और ना ही हमारे रिलेशन को बदलना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद सॉन्ग जुआन ब्लश करना स्टार्ट कर देती है और शाओजन वहाँ से चला जाता है। सॉन्ग जुआन अपनी अफेक्शनेट आंखों से शाओजन की ओर देखकर बोल रही होती है कि मैंने तुम्हारी कभी हेल्प नहीं की है, तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम्हें क्या चाहिए था। इधर दूसरी ओर नेमलेस पीक पर जितने भी डिसेबल होते हैं वो सारे इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। उन पीक के जंगलों में बहुत सारे डीमंस इकट्ठा होते हैं, तो फिर जो उनका हेड होता है वो सारे डीमन से बोल रहा होता है, नेमलेस पीक ने हमें काफी समय से बंदी बनाकर रखा हुआ है, अब हमारा टाइम आ गया है कि हमें उनके खिलाफ फाइट करनी चाहिए। फिर वो सारे डीमन नेमलेस पीक पर जाते हैं और वहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। सारे डिसेबल इधर उधर भाग रहे होते हैं और उनमें से कुछ डिसेबल बोल रहे होते हैं कि लिंक्सी सेक्ट ने हम पे अटैक कर दिया है। तो दोस्तों यही खत्म होता है ये एपिसोड।